सो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सीएम सर व्लॉग्स। और आज हम अपना व्लॉगिंग चालू कर रहे हैं रात में, और क्योंकि अभी आज नवरात्र का, नवमी का, दशहरा का मेला दोनों आज ही है, तो हम लोग जा रहे हैं आज सिसवा। आप लोगों ने फरिंदा का व्यू देखा ही, तो रात में निकले हैं, गाँव के रास्ते निकल रहे हैं अभी हम लोग। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा एकदम अंधेरा है, अभी आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और गाँव के रास्ते इसलिए मेन रोड पर भी अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं। तो मेन रोड पे पहुंचते हैं फिर दिखाते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि हम लोग को मालूम चला है कहीं से कि वहाँ पर चारों धाम का पंडाल बन रहा है, मेरा मतलब है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसी तरह का कुछ वहाँ पर व्यू बनाया गया है पंडाल का। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे वहाँ पर कैसा है, क्या वाकई में बना है वहाँ पर या फिर बस ऐसे किसी ने कहा। तो चलिए देखते हैं। चुके हैं इधर निचला से मिठौरा से सिसवा रोड पे, और देखिए यहाँ पर भी काफी अच्छा। तो दोस्तों हम लोग अब काफी मेन रोड से नहीं जा रहे हैं, अंदर अंदर शॉर्टकट जा रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ी अटल चला रहा है इसको मालूम है। हमारे आगे देखिए जो ऑटो जा रही है, इनसे पता किया गया कि ये भी लोग वहीं जा रहे हैं जहां हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह का मेला लगता है कि ऑटो से भर के अभी तो इस रास्ते जा रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से लोग आएंगे वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, पहली बार हम भी भाई पहली बार ही जा रहे हैं, चलिए देखते हैं कैसा है सिसवा। जो लोग सिसवा से हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हर साल ऐसे ही लगता है कि अब पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि हम लोग पहली बार ही वैसे भी आ रहे हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो ये लोग देखिए आगे काफ़ी सुनसान रास्ता, यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। काफ़ी देर के बाद यहाँ दो लोग दिखे हैं, ये लोग भी शायद मेला में ही जा रहे हैं, रुकिए इनसे पता करते हैं कि चलो जी आगे चलो। मेला में कहा जाचा मेला का मेला से। ये लोग मेला करके आ रहे हैं मिठौरा का, हम लोग भी करने जा रहे हैं। आप लोग कैसा भाई यहाँ पर इस रोड पर भाई डर दिखाते हैं आपको, ये देखिए केवल हम तीन इधर, बाकी इधर देखिए ना कोई और ना पीछे कोई, केवल अंधेरा अंधेरा, इधर भी खेत इधर भी खेत, चारों तरफ आपको दिख कुछ नहीं रहा होगा, लेकिन अंदाजा ला सकते हैं लाइट से देखिए आप कैसे किस रोड पे हम चल रहे हैं। तो पहुंचते हैं सिसवा तब आपको मिलाएंगे फिर। विश्व का सबसे शानदार रास्ता यही है। तो भाई साहब दिन रहता था आपको दिखाते, रात में कुछ देख लीजिए। अरे बाप बाप काफी भयानक खराब रोड है रे बाबा। अब जाके आया थोड़ा सा सही रास्ता, यहाँ भी शायद कुछ रोशनी दिखी अभी 5-6 किलोमीटर के बाद। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, आई थिंक यहाँ भी दुर्गा जी का मूर्ति बैठा है, काफी शानदार। चाचा देखियो राम, ओ आई थिंक कुछ लफड़ा या कुछ हो गया यहाँ पर, कहा हुआ पता नहीं। जय माता दी। जय हाँ देखिए भाई जय रामायण जय श्री राम जय श्री राम महादेव। भाई साहब यहाँ पर भक्त लोग मिले हैं अभी को का। यहाँ देखिए भाई काफी गांव में भी पार्क के समय अवेलेबल हो चुके हैं, क्योंकि अब इसमें योजना आ चुका है कि हर गांव में एक पार्क होना है। और जस्ट भाई क्या इसमें दिन में यहाँ का व्यू काफी शानदार होगा। और यहाँ पर पोखरा उसी जस्ट में पार्क, और ये ट्रेन वाला शौचालय सामुदायिक शौचालय काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, अच्छा लगा देख के भाई। अभी तक अभी ये काफ़ी 7-8 किलोमीटर के बाद भी एक गांव मिला है जिसमें 2-3 घर नहीं, दूसरा गांव है क्योंकि आगे एक। भाई साहब ये किस रास्ते से लेके आए हो यार तुम, कोई आदमी दिख रहा है ये भाई इनसे मिली अभी को बोल रहा है कहीं रास्ता गलत नहीं ने पकड़ लिया। अरे यार ऐसा मत करो, सही बताओ भगवान, लाइव जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। भाई साहब वाकई कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है, केवल चले। ओ ओ भाई साहब ये देखो
लेकिन मैं तो प्रिफर यही करूंगा भाई, कभी रात में इस रास्ते से मत आइएगा, कहीं कहीं बहुत ही अच्छा है। भाई साहब बिना देखे बिना हम रास्ता कहीं भूल चुके हैं, आप पूछ लेते हैं लोगों से कि कहाँ है भैया। सुषमा ही चल जाएगा, सुषमा ही नहीं जाएगा भैया। हाँ। ये बात को नहीं जाना आपको ना। हाँ। ये रोड छोड़िएगा मत। हाँ। ये रोड पक्की छोड़िएगा मत, आगे चौराहा पड़ेगा, चौराहा से कमता पड़ेगा, वो सीधे पकड़ के जहाँ कहाँ जाएगा कटारी, मैंने इसे यहाँ से वहाँ दाहिने हो जाएंगे। हाँ, दाहिने कटारी, कटारी से सुषमा चला जाएगा। ज्यादा जा रहे हैं हम लोग, ज्यादा नहीं, ज्यादा आगे पड़िएगा, मैंने जाएंगे तो ये टोला है, टोला नहीं सीधा जाएंगे, ये पक्की छोड़िएगा मत, चले जाए कटारी, कटारी से एकदम सुषमा। गधा ऐसा ड्राइवर चाहिए भाई। इधर कितना दूर, मतलब इधर रोड सही नहीं है। अच्छा, मैंने हाई वाला खराब सही नहीं है, हाई ना सही बोल रहा है, कटहरी तक खराब है, हाई वाला रोड वा सही बा, हाई वाला ऐसे चले जाइए। हां हेती वाला सही है, कितना दूर होगा हेती भाई? बोलते बा दुख जति कि ना जहां मुड़नी से टेंपो ये बताई ल ना, ये दिए दिमाग को पहले लाई लोता जैसे। चलो धन्यवाद भैया आप लोगों का, बहुत-बहुत धन्यवाद रास्ता दिखाने के लिए। तो भाई देखिए हम लोग वाकई भूल गए थे रास्ता, 2 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं, और किसके लिए? लेजेंड अल्ट्रा लेजेंड मिलियन से, यो यो यही है यो पारा बेट भाई जो किधर तो प्रेशर फट के यहाँ पर क्या बोले हम फिर 2 किलोमीटर से जंगल में ले जाए भाई। हम लोग फिर से उसी जगह पे आ रहे हैं, 2 किलोमीटर आगे चले गए थे, 2 किलोमीटर फिर हम लोग बैक आ रहे हैं, और भाई क्या ही बताएं, आपको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा। अब आ गए हैं रास्ते, सही रास्ते पे, इसका बुद्धि अब खुल गया हल्का फुल्का। हम लोगों को जाना था हेवती, पहुँचा दिए तो पता नहीं किसके हेवती पे, हमको भी नहीं मालूम था। अब यहाँ पर देखिए कुछ रौनक मिला है चौराहे का, और देखिए ये ऑटो जिसको हम लोग छोड़े थे, जिसका भी हम आगे वीडियो बना रहे थे, वो यहाँ पहुँच गया है, हम लोग दूसरे रास्ते चल गए थे, इसलिए हम लोग उससे आगे हो गए हैं। भाई ये लोग देखिए मेला करके ही आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। जय माता दी, जय माता दी, कहते हैं वो जय श्री राम। मेला का क्या मेला से परपटिया बहुत बढ़िया अत्युत्तम। पता नहीं कौन से पटिया से लोग आ रहे हैं, उन्होंने बोला हम लोगों ने सुना बस। Gracias.
करते थे और उन्हीं की सब बोरा और है सीमेंट काफी अच्छे सॉन्ग से रखे हैं लोग भाई। हम लोग फिर ऊपर से नीचे आ चुके हैं। अब जय जय श्री शंभु। फिर अगेन गुफे में आए होंगे। काफी शानदार गजब बना हुआ टायर से भी निभा कहीं में हम लोग वहां से आ रहे हैं उधर से साइड ऊपर फिर उसके बाद घूमते हुए यहाँ पीछे से। ये भाई आप लोगों यहाँ पर तब कितने दिन लगा तैयारी में? अरे हो गया 3 महीना से। 3 महीना जय हो यमुनोत्री देवी। ओ भाई यार काफी नीचे ये गुफा बना है। हम ट्रैफिक पुलिस का निर्णय आ गया क्या? आपका महाराज बताओ।
बताइए। बाबू परसदिया नहीं दिया हमको? हाँ यार वाकई में लगा था यार। छोटे बनाओगे बनाएंगे? चलो घर की हाँ ब्यास मेरे बावन थे। तो दोस्तों हम लोग अब वहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ देखिए फिर जिस रास्ते से आए थे उसी तरह का रास्ता यहाँ पर फिर से चालू हो गया है और इस समय तो हम लोग जा रहे हैं मेन रोड से। फिर भी काफ़ी घना यहाँ पर दोनों तरफ से पेड़ और पौधे झाड़ियाँ हैं तो यहाँ पर अब बारिश की वजह से काफ़ी धीरे धीरे चलना पड़ रहा है क्योंकि कहीं भी स्लिप हो सकता है भैया। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा अंधेरा और पनिए जाते अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग इधर के हैं तो प्लीज़ ज़रूर आप आके यहाँ पर देखिए और आप लोग यहाँ के होंगे जाहिर सी बात आप लोग देख चुके होंगे। तो अब यहाँ पर है पेट्रोल पंप, देखते हैं यहाँ पर पेट्रोल मिलता है कि नहीं। तो आई थिंक भीड़ तो काफ़ी है, मिलना चाहिए। तो भाई आप लोगों ने देखा सुबह का मेला काफ़ी अच्छा था। तो भाई
इस बारिश में भीगने के लिए और इतने दूर से आने के लिए। भाई एक लाइक तो बनता है। वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर अगर जिस साल नहीं आ पा रहे तो अगले साल जरूर आइए। काफ़ी शानदार यहाँ पर मेला लग रहा है। तो एक लाइक तो बनती है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें और इस बारे में जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी किसी नए वीडियो नए ब्लॉग में। तो जय हिंद और दुर्गा मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। भारत माता की जय। सो गाइस, वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि देखिए इस पानी में भीगने का कुछ तो लाभ मिलना चाहिए और इस बारिश में भीगने के लिए और इतने दूर से आने के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और यहाँ पर इस बारे में जान सकें कि यहाँ यहाँ पर इतना बढ़िया मेला लगता है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दिया, जो सब्सक्राइब किए हैं उनको सैल्यूट। और इस बार आप नहीं आ पाए तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के अगली बार जरूर आप आइएगा और इस वीडियो को देखेंगे तो जाहिर सी बात आपके मन में एक बार जरूर आएगा कि हमको नेक्स्ट टाइम जाना है सतवा। तो काफ़ी शानदार मेला यहाँ पर था दशहरे का। तो इस बारिश में आने के लिए, इतने दूर से आने के लिए, दुर्गा माता के लिए एक लाइक वीडियो जरूर करिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, नए वीडियो में आप लोग से। तो आप सभी लोग, जितने लोग हैं सब लोग कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। सो मिलते हैं जल्दी और वीडियो अच्छा लगा तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि अच्छा था कि या नहीं, जो कमी थी उसको भी बताइए आप लोग। सो भारत माता की जय। भारत माता की जय। दुर्गा मैया की जय।